नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर घमासान मचा हुआ है। विडंबना यह है कि अशोक गहलोत सरकार में कभी डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ एक दिन के अनशन पर बैठ गए थे। हालांकि सचिन का अशोक गहलोत के साथ जो 36 का आंकड़ा है वो बहुत पुराना है, लेकिन सवाल यह है कि सचिन पायलट कितनी बार काठ की हांडी चढ़ाएंगे। वो बार बार आलाकमान से नाराज हो जाते हैं और फिर मान भी जाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सचिन पायलट सच में कांग्रेस छोड़कर जाना चाहते हैं या नहीं, या फिर कांग्रेस के अंदर रहकर वो आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर खुद के लिए कोई बड़ी भूमिका तलाश रहे हैं, या फिर ये माना जाए कि इस बार वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहीं आम आदमी पार्टी में शामिल होने का तो नहीं सोच रहे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर अविनाश सिंह। नमस्कार अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नमस्कार मैम, आपका, आपके दर्शकों का भी, सभी का। अविनाश, ये बताइए कि जिस तरह से सचिन पायलट इस बार फिर से आला कमान से नाराज होकर, गहलोत से नाराज होकर मोर्चा खोलकर बैठ गए, लेकिन दिलचस्प बात यह कि इस बार वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे सरकार के वक्त में जो भ्रष्टाचार हुए थे उसकी जांच पड़ताल अशोक गहलोत नहीं करवा रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि एक नया मुद्दा तलाश लिया उन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पर? देखिए मैम, क्या है कि जो भी पॉलिटिशियंस महत्वाकांक्षी होते हैं किसी भी प्रदेश के अंदर या जितने भी पारिवारिक हायरार्की से आते हैं, इनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये सब कंफ्यूज्ड हैं। आप कहीं भी जाकर के देखिए कि किसी भी स्टेट में सब कंफ्यूज्ड हैं। राहुल गांधी एक हायरार्की से आते हैं, वो कंफ्यूज पॉलिटिशियन है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कंफ्यूज पॉलिटिशियंस हैं। जयंत चौधरी कंफ्यूज पॉलिटिशियंस हैं। तो जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट भी एक कंफ्यूज पॉलिटिशियंस है। सचिन पायलट को और सिंधिया को, दो लोगों को कांग्रेस पार्टी ने, एक को मध्य प्रदेश भेजा, एक को राजस्थान भेजा कि जाओ तुम लोग काम करो। ये राहुल गांधी के करीबी कुनबे के लोग थे। अच्छा, वहां पे जब मध्य प्रदेश में सिंधिया गए तो आपने एक चीज देखा होगा कि सिंधिया की भी वहां दाल नहीं गली और सिंधिया भी वहां पे मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, कमलनाथ को बनाया गया। यहां पे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया सचिन पायलट को, लेकिन मुख्यमंत्री बनाया गया गहलोत को। हमेशा एक जादू की बात आती है, तो वो जादू चला लिया गहलोत ने। अब सचिन पायलट के साथ क्या कंफ्यूजन है कि सचिन पायलट ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझको एग्जैक्टली करना क्या है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सचिन पायलट नहीं है, फारूक अब्दुल्ला प्रॉब्लम है सचिन पायलट के पीछे। क्योंकि सचिन पायलट ने फारूक अब्दुल्ला की बेटी से जब शादी की तो फारूक अब्दुल्ला खुश नहीं थे इससे। फिर बाद में इन लोगों में पैचअप हो गया। पैचअप होने के बाद अब अगर सचिन पायलट फारूक अब्दुल्ला की बात ना माने तो वो भी एक समस्या है। फारूक अब्दुल्ला का खास इंस्ट्रक्शन है कि आपको बीजेपी के साथ नहीं जाना है, किसी के साथ चले जाइए, कांग्रेस के साथ रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन सचिन पायलट हमेशा, जो इनका आला कमान है तथा कथित दिल्ली का, मतलब आला कमान क्या है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पद उनके पास कांग्रेस में क्या है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन राजनीति की धुरी वहीं से चलती है। तो इन्होंने इनको बार बार प्रेशराइज करने की कोशिश किया कि गहलोत अब बूढ़े हो चुके हैं, गहलोत कई टर्म मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गहलोत अब नहीं संभाल सकते, मुझको मौका दिया जाए। इसी कड़ी में 2020 में इन्होंने नौटंकी की 18 विधायक लेकर के, वो 2-3 महीना आपने ड्रामा देखा होगा, छत चला। उसके बाद इन लोगों में पैचअप करवा दिया किसी तरीके से आला कमान ने, पैचअप हो गया। फिर एक घटना घटी 2022 में, जब गहलोत को लगभग तय था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव गहलोत लड़ेंगे। गहलोत को एक चीज पता था कि जो भी लूट मार बचानी है, जो भी पैसा कमाना है, वो मुख्यमंत्री के पद में है, ठीक है ना, जो एडजस्टमेंट है मुख्यमंत्री के पद में है। प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद तो गाली ही सुनने को मिलेगी, तो वो उसमें ड्रामा किए। और इनके खेमे के विधायक, 20 में सचिन पायलट, 22 में गहलोत, खेमे के विधायक क्या किए, इस्तीफा दे दिए। फिर उसमें नौटंकी हुई 2 दिन तक। फिर गहलोत दिल्ली गए, गहलोत ने सोनिया गांधी से सार्वजनिक माफी मांगी। लेकिन सचिन पायलट ने क्या किया, सचिन पायलट ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई कांग्रेस ने। वो 3 सदस्यीय कमेटी जांच करने गई, जांच करने के बाद उस 3 सदस्यीय कमेटी ने कोई रिपोर्ट ही नहीं अब तक दी। सचिन पायलट बार बार मांग कर रहे थे कि जो विधायकों ने इस्तीफा दिया था या जिन 2-4 लोगों के कारण से ये काम हुआ था, उनको तो कोई पनिशमेंट देना चाहिए।
तो गहलोत खेमा क्या करता है कि 2020 में जो तुम बगावत किए थे उसमें तुमको पनिशमेंट नहीं मिली, तो 2022 में हमको क्यों पनिशमेंट मिलनी चाहिए? ठीक है, तो ये दोनों बातें इक्वल फर्ज पे आ गई। अब आते हैं जो नया घटनाक्रम है। देखिए, सचिन पायलट ने जब इस पे बात करना शुरू किया और गहलोत सरकार को घेरना शुरू किया और सार्वजनिक घेरना शुरू किया, तब से दिल्ली का इनका आला कमान इन पे नजर बनाए हुए है। लेकिन जैसे ही इन्होंने धरने की बात कह दी और इस तरीके की बात कह दी, जयराम रमेश ने प्रेस नोट रिलीज किया कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि ऑफिशियल प्रेस नोट। उन्होंने क्या कहा कि गहलोत के ही नेतृत्व में 2024 लास्ट जो चुनाव होना है 2023 में वहां पे राजस्थान में विधानसभा वो होगा। ठीक है, तो मीन्स कि सचिन पायलट के मुख्यमंत्री अगले टर्म में भी संभावित बनने की कोई संभावना नहीं है। तो जब नहीं है, तो अगर सचिन पायलट सिर्फ यही सोच करके पार्टी छोड़ दें, तो भाई पार्टी में बहुत सारे लोग कहेंगे कि देखो इसको मुख्यमंत्री ने बनाया तो ये भाग गया, इसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो ये भाग गया, स्वाभाविक है। तो जनता का ध्यान दूसरी तरफ हटाने, देखिए मैम आपको एक बात बता दे, इस देश में हो सकता है कि 1-2% लोग इस पॉलिटिक्स को समझते हो, लेकिन सब लोग क्या समझते हैं, जो भी भ्रष्टाचार की बात करेगा, कितना भी भ्रष्ट आदमी हो, आदमी उसके साथ चिपक ही जाता है, ये नेता बढ़िया है भैया, देखो भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, बहुत बढ़िया नेता है। केजरीवाल की स्थिति देख लीजिए। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि सचिन पायलट छोड़ करके जब पब्लिक के बीच में वोट मांगने जाएंगे, तो चूंकि प्रदेश अध्यक्ष रह के पदयात्रा करके यही वोट मांग करके सरकार बनवाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब उनकी पॉलिटिकल हैसियत कितनी है, उनके जाति का कितना वोट है, एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन भाई अल्टीमेटली नेतृत्व तो सचिन पायलट का ही था। तो जब जाएंगे तो आदमी पूछेंगे ना कि भैया आप पार्टी छोड़ दिए, या आप पार्टी नहीं बना लिए, या आप केजरीवाल के साथ चले गए, या हनुमान बेनीवाल के साथ चले गए, आप फिर वोट मांगने आ गए, आपने 5 साल तो अपने सरकार से कभी सवाल नहीं पूछा। तो सचिन पायलट वो मूव ले रहे हैं कि देखो भैया हम सरकार में थे, हमको सत्ता नहीं मिली, हम कुछ कर नहीं पाए, हमने लगातार अपनी सरकार से सवाल पूछा। और सचिन पायलट अभी से नहीं पूछ रहे हैं, आपको पता है कि जो शहीद विधवाएं थी उनके मैटर को लेकर के सचिन पायलट खुद गया था वहां पे, और इसने उस मैटर को उठाया और गहलोत सरकार के ऊपर बहुत सारी बातें कही। उसके बाद गहलोत ने इसको गद्दार कहा। फिर पेपर लीक का एक मामला था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पेपर लीक के मामले में सचिन पायलट का ऑफिशियल स्टेटमेंट था मीडिया के सामने कि पेपर आलमारी में रखे रहते हैं तो कैसे गायब हो जाते हैं, जादू है क्या? तो जादू की जब बात आएगी राजस्थान में तो गहलोत का नाम आएगा। ठीक है, तो ये पूरा बहुत लंबे समय से इन लोगों के बीच में चल रहा है। अब जैसे धरने वरने की बात आई, ये फिर से एक बार ये सब सारी बातें ऊंची, तो हनुमान बेनीवाल ने एक चीज क्या बोला, हनुमान बेनीवाल ने बोला कि तुम अपनी पार्टी बनाओ, हम लोगों के साथ आकर के मिल लो। ये सुबह 10 बजे बोलता है हनुमान बेनीवाल, और शाम के 5 बजे दिल्ली में केजरीवाल के साथ बैठ करके मीटिंग करता है हनुमान बेनीवाल। अच्छा, सचिन का आज धरना है, सबसे पहला रिएक्शन कहां से आया? आम आदमी पार्टी से आया। आम आदमी पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ने समर्थन किया सचिन पायलट का, और सचिन पायलट के धरना में कांग्रेस का कोई भी पीछे पोस्टर नहीं था। और गांधी इस देश में एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको आंदोलन करना है तो गांधी का नाम आपको लेकर के चलना पड़ेगा, आपको पब्लिक में जाना है तो गांधी का नाम लेकर के चलना पड़ेगा, चाहे प्रशांत किशोर बिहार में जन स्वराज यात्रा के नाम पे कर रहे हो, चाहे अन्ना आंदोलन हुआ हो तब ये चीजें हुई हो, चाहे कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, इससे नहीं मतलब है। तो गांधी जी का पोस्टर लगा के ऊपर वसुंधरा सरकार लिख करके अब एक नया नैरेटिव भी गढ़ा जा रहा है राजस्थान के अंदर। वो नैरेटिव ये गढ़ा जा रहा है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच में एक साठ गांठ है, 5 साल तू 5 साल मैं, तेरे भ्रष्टाचार पे मैं नहीं, मेरे भ्रष्टाचार पे मैं नहीं। अब आम पब्लिक क्या सोचेगी, हाँ बात तो ये सही है भैया, एकदम ठीक बात है, यही हो ही रहा है भैया, 5 साल वो नहीं बोलता है, 5 साल ये नहीं बनता। देखिए राजनीति में जिसे एक होता है ना कि कुत्ता घसीटी नहीं होती, हर 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 विषय पे जांच अगर किसी को करवाना है तो बहुत सारी एजेंसियां हैं, जांच करवाया जा सकता है, उसमें उसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। अब सवाल दूसरा है भाई, केंद्र सरकार भी करा सकती है, केंद्र सरकार क्यों नहीं कराती अगर इन लोगों के बीच में गठजोड़ है? एक सवाल यह भी है। दूसरा सवाल यह है कि अगर वसुंधरा राजे के ऊपर अशोक गहलोत ने 4 साल तक जांच नहीं कराई, उसका क्या रीजन है? देखिए दोनों तरफ है, राजनीति में कोई भी आरोप दो धारी तलवार की तरह होता है, वो कब किधर मूव कर जाएगा इसको कहना बहुत ही मुश्किल है, वो आगे परिणाम बताते हैं। तो सचिन पायलट के साथ प्रॉब्लम है कि सचिन पायलट
कंफ्यूज्ड पॉलिटिशियन है, ये हमेशा नौटंकी करते हैं, आज भी नौटंकी की। 11 बजे खा पी करके आए आराम से और 4 घंटा धरने पे बैठे और लोगों से बातचीत किए और फिर किसी को बुलाए, उसने मिठाई खिलाया, धरना खत्म हो गया। ये नौटंकी करने की आपको क्या जरूरत थी? आप पद यात्रा करते। हाँ, लेकिन अविनाश ये तो ठीक है कि बार बार नाराजगी दिखाते हैं अपनी सचिन पायलट, लेकिन फिर उनकी राजनीति की दुकान आगे बढ़ेगी कैसे? अगर वो सच में मान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। दिल्ली में उनकी करतूत देख लो, दो मंत्री उनके जेल के अंदर हैं, अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। तो अगर भ्रष्टाचार के मामले मुद्दे को लेकर आज की तारीख में सचिन पायलट कोई वाकई मुहिम सीरियसली चला रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि उनको बीजेपी का दामन थाम लेना चाहिए, शायद सबसे अच्छा ऑप्शन उनको वही। लेकिन फिर वहां पर जो पेंच फंसेगा वो वसुंधरा राजे सिंधिया का फंसेगा। हाँ, अब देखिए, अब इसमें क्या है कि भ्रष्टाचार, केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के कितने आरोप हैं और इनके कितने मंत्री जेल में हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। सवाल, सबसे बड़ी बात यह है राजस्थान के अंदर कि सचिन पायलट अकेले अगर चुनाव में जाते हैं तो सचिन पायलट का टोटल इंपैक्ट 17-18 सीटों पे है, इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, इंपैक्ट होना और जीतना दो अलग अलग चीजें हैं, मैम समझिएगा, ये बेस वोट और विनिंग वोट का फर्क बहुत कम लोग समझते हैं। क्योंकि मैं एक डेटा एनालिस्ट हूं और इसमें मैं काम करता हूं, तो मैं हमेशा लोगों को बताता हूं कि बेस वोट और विनिंग वोट के फर्क को कैसे समझा जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी को जीतने के लिए 1 वोट चाहिए होता है और किसी को हारने के लिए 1 कम वोट चाहिए होता है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 1 वोट से जीते हैं कि 5 लाख वोट से जीते हैं। आप विधायक और सांसद हैं, 1 वोट से जीता वाला भी सांसद विधायक है और 5 लाख वोट से जीता वाला भी सांसद विधायक है, तो जीत हार में 1 वोट का अंतर। अब कैसे 1 वोट का अंतर, अब इसका बेस वोट समझिए। जैसे 100 वोट है और 10 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, इक्वालिटी यह है कि सबको 10-10 वोट मिला, ठीक, लेकिन उसी में से किसी को 9 वोट चाहिए, किसी को 11 वोट चाहिए जीतने के लिए, ठीक। तो जो 10 वोट है वो बेस वोट है, वो जीतने वाले वोट की लड़ाई है। तो सचिन पायलट के पास बेस वोट तो हो सकता है कि 18 सीटों पे हो, विनिंग वोट कहां से लेकर के आएंगे? जैसे होता है ना कि मैं जीत नहीं सकता लेकिन मैं इस स्थिति में हूं कि मैं आपको हरा दूंगा, क्योंकि हराने के लिए 1 वोट चाहिए, जीतने के लिए तो 25-25, 50-60, 70-80 हजार वोट चाहिए होता है जो दूसरा कैंडिडेट पाएगा उसके बराबर। तो वो अगर वोट आप वहां तक पहुंचा लेते हैं तो आपको विनिंग वाला मार्जिन आपको चाहिए। उसमें से कास्ट बाइफर्केशन होता है, वोट खरीदे जाते हैं, मोबिलाइजेशन होता है, बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग चीजें अपनाती हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में लोगों को तोड़ती हैं। सचिन पायलट के साथ बेस वोट चाहे जितना भी हो, विनिंग वोट नहीं है, और सिर्फ एक बिरादरी के वोट के भरे से सचिन पायलट चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्योंकि सचिन पायलट अगर अकेले भी पार्टी बना करके जाते हैं तो उनके साथ दिक्कत है। अब देखिए, ये सोच रहे हैं कि गुर्जर वोट हमारे साथ चिपक जाएगा, जाट वोट हनुमान बेनीवाल के साथ चिपक जाएगा, और रहा सहा जो वोट बचा हुआ है वो केजरीवाल से चिपक जाएगा, तो हमारे पास 3 फ्रंट पे वोट बन जाएंगे। केजरीवाल का अगर मान लीजिए कि 1000 वोट भी सचिन पायलट को मिल जाता है और हनुमान बेनीवाल का 15,000, 10,000, 8,000 वोट मिल जाता है और सचिन का अपना बेस वोट रहता है, तो ये विनिंग पोजीशन में पहुंच सकते हैं उन 18 सीटों पर, उससे आगे की कोई स्थिति नहीं बनती है। लेकिन यही सेम चीज जहां से हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है चुनाव, वहां पे जो थोड़े बहुत इनके लोग हैं, इनके समर्थक हैं, वो उसके साथ चिपक जाए तो काम बन सकता है। देखिए, पॉलिटिक्स में सब गणित, मैथमेटिक्स और संभावनाएं तलाशते हैं लोग। और आपको एक बार बता दूं, केजरीवाल को अब एक चीज समझ में आ गई है कि हमको विपक्षी लोगों के साथ जाना है। अब वो शीला दीक्षित वाला फोबिया खत्म हो गया दिल्ली में, 370 पेज का, आप तो बड़ी पत्रकार रही हैं, आप सब जानती हैं इसके बारे में, 370 पेज का लेकर के वो घूमता था और बोलता था लालू को जेल में डाल दो, कपिल सिब्बल क्यों बाहर घूम रहा है, फलाना क्यों ठिकाना, रोज एक नया ड्रामा वो क्रिएट करता था दिल्ली के अंदर। दिल्ली के लोगों ने उसको वोट दिया, मैं दिल्ली के लोगों की इसमें कमी नहीं मानता हूं, क्योंकि देखिए, दिल्ली के लोग मोदी जी को भी वोट देते हैं, 100% लोकसभा की मोदी जी को और 100% विधानसभा के लगभग केजरीवाल को। तो बहुत सारे लोग फ्री वाइब्स की बात करते हैं, मगर दिल्ली कमी नहीं, वो तो भाजपा यूनिट वहां अच्छी नहीं है जो दिल्ली में है, वो एक अलग सिनेरियो है।
अब सचिन पायलट ने आज ही डिसीजन लेना था कि मुझको करना क्या है, लेकिन सचिन पायलट के लोगों ने आके कान में फूंक दिया कि अभी करने से कोई फायदा नहीं, जनता एकदम तुमको पसंद नहीं कर रही है जो तुम नौटंकी कर रहे हो। इससे इन्होंने कहा क्या करूं भाई, धरना तोड़ दो, मिठाई खा लो और ठीक है, इट्स ओके, और बताओ कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। किससे लड़ाई लड़ रहे हैं सचिन पायलट, लड़ किससे रहे हैं आप? उस सरकार को क्यों कोई चुनेगा जिस सरकार का प्रदेश अध्यक्ष घूम घूम करके वोट मांगता है, खुद मुख्यमंत्री का दावेदार कहता है और अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने में बैठता है और कहता है कि जांच नहीं हुई वसुंधरा के खिलाफ। कुछ दिन पहले आप कहते हैं कि पेपर लीक के मामले में जांच नहीं हुई, कुछ दिन पहले आप कहते हैं कि विधवाओं के मामले में जांच नहीं हुई, तो आप तो अपनी पॉलिटिकल माइलेज को सिक्योर करने के लिए सारा काम कर रहे हैं ना, आपको प्रदेश के लोगों से थोड़ी ना कोई मतलब है। अच्छा देखिए, फूट भाजपा में भी बहुत जबरदस्त है और उस फूट का फायदा सब उठाने की कोशिश में है कि किधर से स्कोप मिले। और भ्रष्टाचार का आरोप की अगर जहां तक बात है तो एज ए मुख्यमंत्री मैम दो ही लोगों पे लगना है, अशोक गहलोत पे और वसुंधरा राजे पे, तो इनडायरेक्ट तो सचिन पायलट ने लगा ही दिया ना आरोप। आप अगर जांच नहीं कर रहे हैं तो आप भी दोषी हैं, मतलब आप भ्रष्टाचार के समर्थक हैं और वसुंधरा राजे का नाम ले ही लिया। तो ये कोशिश ही कर रहे हैं, वो मैं बता रहा हूं, कोशिश में सफल कितना होंगे समय बताएगा, इनकी जो कोशिशें हैं अलग अलग एंगल से जी। लेकिन अविनाश मेरे को बस जैसे आपने ये सही कहा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज है सचिन पायलट, अपने ससुर हैं उनके चलते वो शायद बीजेपी में भी नहीं जाना चाहते, लेकिन उनके सचिन उनके ससुर तो एक जमाने में एनडीए के हिस्सेदार हुआ करते थे, एनडीए के सचिव हुआ करते थे, लेकिन आज वो उनको कह रहे हैं कि वो उधर ना जाए। लेकिन मजेदार ये है कि फिर सचिन पायलट करे तो क्या करे, ये नौटंकी जो उन्होंने आज की है अनशन की वो भी खत्म हो गई, तो अब तो उनके पास अब तो पूरी तरह से बेनकाब हो गए, अब तो किस तरफ जाने लायक भी नहीं बचे हैं। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ या हनुमान उनके साथ जाकर वो अपनी दुकान आगे बढ़ाए, लेकिन जिसे कहते ना क्रेडिबिलिटी वो तो उन्होंने लगभग गवा दी अपनी एज अ पॉलिटिशियन। हाँ हाँ हाँ, कुछ कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची, उसके पीछे के कई सारे रीजन है ना। देखिए मैं बहुत छोटी यूनिट बोलता हूं, घर होता है, घर में भी कोई रोज रोज किसी मुद्दे को उठाता है ना तो लोग कहते हैं इसका रोज रोज का नौटंकी है, छोड़ो इसको निगलेक्ट कर दो। इसी तरह उससे थोड़ी बड़ी यूनिट पे जाइए आप, गांव या मोहल्ला, मोहल्ले में रोज अगर कोई किसी बात को लेकर के कुछ कहता तो कहे अरे ये अंकल पागल है, ये आदमी पागल है, रोज एक ही बात करता है, कोई मतलब नहीं है, फिर दो दिन में पलट जाएगा, ये तो दूसरी बात करने लगेगा। उसी तरह पार्टी और संगठन में भी होता है, जब आप एक बार स्टैंड लीजिए, या आप बोलिए या आप मत बोलिए, आप किससे कह रहे हैं, डायरेक्ट कह रहे हैं ना सचिन पायलट कि मैंने जांच के लिए बोला, जांच नहीं हुई, मैं दो साल से बोल रहा हूं जांच नहीं हो रही है, मैंने आला कमान से कहा, आला कमान ने कुछ नहीं किया, सारे मैटर पे सचिन पायलट बोला है, कोई ऐसा मैटर नहीं है जिसपे सचिन पायलट बोल नहीं रहा है। तो आला कमान ने सीधे सीधे कहा कि बेटा अगला चुनाव भी गहलोत में ही लड़ा जाएगा, और उस चिट्ठी की लाइन आप पढ़िएगा, उसमें क्या था कि अशोक गहलोत ने बहुत स्टेबल सरकार दी है राजस्थान के अंदर, और बहुत काम किया है, बहुत मेहनत किया है, और नंबर वन प्रदेश सरकार है दुनिया भर की चीजें, और जबकि हकीकत यह है कि जितना हिंदू प्रताड़ित हुए हैं खासकर एससी एसटी समुदाय की महिलाएं राजस्थान के अंदर, उतना प्रताड़ना अगर इस देश में किसी प्रदेश में हो जाए तो आपको मैं बता रहा हूं कि भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी वहां। ये राजस्थान की हकीकत। अभी आपने देखा होगा एक दलित बालिका के साथ उसको बलात्कार हुआ, फिर जलाया गया उसको, क्या प्रियंका गांधी गई हाथरस में तो एक्टिविज्म करने तुरंत आ जाती है? नुपुर शर्मा के केसेस में केस के बाद और उसके बाद क्या हुआ राजस्थान के अंदर, क्या उस पर कोई स्टैंड लिया, क्या उस पर राहुल गांधी या सोनिया गांधी गए राजस्थान, नहीं गए, क्या उस पर उनका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, नहीं आया, यह भी जनता देख रही है, यह भी जनता काउंट कर रही है। भाजपा के साथ समस्या क्या है कि वसुंधरा राजे का एक गुट है, बहुत सारे लोग मुझसे असहमत हो सकते हैं इस बात के लिए कि उनको लगेगा कि वसुंधरा राजे बेकार है, वो मुझको बहुत बता सकते हैं कि 7 बजे वसुंधरा राजे के दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो अल्कोहलिक है, वो किसी की सुनती नहीं है, वो बदतमीज है, वो फलाना है, वो अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहती, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन वसुंधरा राजे ही पूरे राजस्थान में भाजपा के पास एकमात्र नॉन लीडर है,
जिसको लोग जानते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, इसके अलावा आएगा कि अश्विनी वैष्णव को बनाया जाएगा, क्यों भैया रेलवे इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, रेलवे में मोदी जी का दायां हाथ बायां हाथ बने हुए हैं, उनको कायम बनाया जाएगा। जैसे एक बार नहीं उठा था क्या महाराष्ट्र में गडकरी बनेंगे मुख्यमंत्री, मीडिया सूत्र का आज तक समझ में नहीं आया, जिसका नाम चल गया मोदी पक्का उसको नहीं बनाते हैं, ये भी आप जानते हैं। ये तो है, है ना, जिसका नाम चला कि फला बना तो मान के चलिए वो बनना नहीं है। अच्छा, उसके बाद बाबा बालकनाथ का नाम आता है, अलवर वाले सांसद जो है योगी पीठ वाले हैं, फिर गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आता है, गजेंद्र सिंह शेखावत के पास भी बड़ी जिम्मेदारी है, जब पहली बार इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हुई गजेंद्र सिंह शेखावत को, तो वसुंधरा राजे ने वीटो कर दिया था, वसुंधरा राजे बनने नहीं थी, तो गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे का मामला चल रहा है। अब गजेंद्र सिंह शेखावत का एक कंपनी में कुछ शेयर थे, उसके भ्रष्टाचार का मामला गहलोत ने खोल रखा है, बात समझ रही है, तो वो वहां कहानी चल रही है। अच्छा, वो शूटर जो थे राठौर साहब सेना वाले, राज्यवर्धन सिंह, हाँ राज्यवर्धन सिंह, राजवर्धन सिंह एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस और दुनिया भर का आना जाना कि बस मुझे भी मौका मिलना चाहिए। पुनिया साहब प्रदेश अध्यक्ष से पुनिया साहब को हटा दिया गया, क्योंकि एक एक देखिए मैं बहुत ओपनली बताता हूं, बीजेपी या अन्य वहां के कार्यकर्ताओं का मानना है कि जो नाराज वर्ग है उसको बनाया जाए, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की वजह से, कांग्रेस की वजह से और बहुत सारे कारणों की वजह से हमको 10-12-15% से अधिक जाट वोट नहीं मिलता राजस्थान में, ठीक है, तो सचिन पुनिया भी एक अलग लाइन लेंथ पे चल रहे थे, उनको हटाया गया, वो कहीं ना कहीं वसुंधरा खेमे के करीब थे। फिर नेता प्रतिपक्ष विपक्ष बदला गया वहां पे, फिर डिप्टी बनाया गया सतीश पुनिया को, तो ये सब कहानी भाजपा भी वहां मेकअप करने की कोशिश में कर रही है, लेकिन भाजपा आज की स्थिति में ये स्थिति में नहीं है भाजपा वहां के कि वो घोषित करके मुख्यमंत्री वहां चुनाव लड़ ले, क्योंकि निगेटिव चला जाएगा। और वसुंधरा को बहुत कुछ करना नहीं, वसुंधरा ताकत के लिए लड़ती हैं और वो इस साल पूरा पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से पार्लियामेंट्री कमेटी उनको घोषित कर दे मुख्यमंत्री, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाजपा वहां घोषित करेगी, और टेक्निकली अगर देखा जाए तो घोषित भी उनको नहीं करना चाहिए, हालांकि राजनीतिक पार्टी है, कब कौन क्या मूव ले ले कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन तो, जी ये जो वसुंधरा वाला एपिसोड है, वसुंधरा एक बड़ा नाम तो है, चेहरा है उनका, सीएम रही है राजस्थान की, लेकिन फिर आपको क्या लगता है पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं जिस तरह से वो साइडलाइन है बीजेपी में, क्या कोई बड़ा संदेश राज्य में केंद्रीय नेतृत्व देना चाहता है, कोई और चेहरा वहां पर, आप जैसे अश्विनी वैष्णव की बात कर रहे थे, लेकिन फिर हो सकता है ना कोई बदलाव वहां पर किया जाए, क्योंकि देखो सरप्राइजिंग एलिमेंट तो आखिरी मौके पर ही दिया जाता है बीजेपी की तरफ से, पता भी नहीं चलता है कि कौन सीएम का कैंडिडेट हो गया या सीएम बना दिया गया। देखिए अश्विनी वैष्णव का नाम आने के पीछे दो रीजन है, अश्विनी वैष्णव संघ से नहीं आते, अश्विनी वैष्णव रूट पॉलिटिक्स से नहीं आते हैं, अश्विनी वैष्णव टेक्नोक्रेट रहे हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, देशभक्त आदमी रहे हैं, झुकाव उनका रहा है, अश्विनी वैष्णव डायरेक्ट लैंडिंग है पॉलिटिक्स में, और उनको काम दे दिया उन्होंने रेलवे का, और वहां पे वो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें वंदे भारत ट्रेन उनको 200 चलानी है, तो जाहिर सी बात है कि उस लेवल का एक ब्यूरोक्रेट प्लस टेक्नोक्रेट दोनों होना चाहिए था। अश्विनी वैष्णव को भेजने के पीछे का सिर्फ एक ही मात्र तर्क है कि वो किसी खेमे के नहीं है, किसी ग्रुप के नहीं, किसी गैंग के नहीं है, तो हो सकता है कि सब गैंग उनको नेता मान ले, ये एक बात, अदरवाइज कोई प्रभाव नहीं है राजस्थान, बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं होंगे, बहुत सारे लोग तो अश्विनी वैष्णव को सोचते हैं कि उड़ीसा से है बहुत सारे लोग जनरली, इन जनरली, तो एक ये रीजन है, क्योंकि अगर वसुंधरा खेमे से बनाइए, चाहे आप मेजर साहब के खेमे से बनाइए, चाहे आप बाबा बालकनाथ के खेमे से बनाइए, किसी के भी खेमे से अगर किसी को भी बनाते हैं तो खेमे बंदी रहेगी। आप देखिए सीपी जोशी जी को बनाया गया, सीपी जोशी जी को इसलिए बनाया गया कि ब्राह्मण समुदाय वहां नाराज था, तो थोड़ा सा उसको मेकअप कर लीजिए, वो भाजपा का बेस वोट है, तो पता चला कि ब्राह्मण वहां नाराज है, भाजपा का बेस वोट है। अब गजेंद्र सिंह शेखावत को अगर घोषित नहीं किया जाएगा तो ठाकुर एक बड़ा वोट बैंक है भाजपा का, वो नाराज हो जाएगा, है ना, तो वो भी तालमेल बिठा करके चलना है। अच्छा, जाट गुजर भी साध करके इनको चलना है ना, तो ये सबको जब साधना है तो सबको अलग 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 जगह पे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा आपको, है ना, तो वो देने की कवादत चल रही है नेता प्रति विपक्ष के रूप में, चाहे डिप्टी उसके रूप में, सब सारी चीजों के रूप में, क्योंकि एक देखिए भारत की राजनीति की एक सच्चाई है, बिहार यूपी तो बदनाम है सिर्फ जाति के मामले में, जाति कहीं ऐसी नहीं है कि जाति है, सब जगह जाति है ना,
और कोई भी प्रदेश आप चले जाइए, वाइब्रेशन कितना है उसको लेकर के एक एक अलग मैटर है। अदरवाइज कास्ट के नाम पे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, हर जगह वोट पड़ता है ना, और यूपीबीआर में भी पड़ता है, और वो रिफ्लेक्शन दिखता है आपको। तो राजस्थान में मैम कम से कम अभी एक डेढ़ महीना दो महीना लगेगा पिक्चर क्लियर होने में दोनों पार्टियों का। तब तक ये नूरा कुश्ती खूब चलेगी, इसमें कोई मतलब इब्बट नहीं है, खूब ये लड़ेंगे भिड़ेंगे, इस पे आरोप उस पे आरोप सब करेंगे। एक चीज और महत्वपूर्ण बताता हूं इसमें, सचिन पायलट के धरने में आपने देखा होगा कि पहली बार विधायक बनने वाला कोई आदमी आया नहीं था। सबको पता है कि अगर टेक्निकली हम हमारे ऊपर एक्शन हो जाता है तो जो पेंशन मिलती वो भी नहीं मिलेगी। सब अपनी अपनी चालाकी में है, जबकि सचिन पायलट के साथ तो आना चाहिए, जो 14-15 उनके खास लोग है ना, बैठना चाहिए था उसके, जो 2020 में उनके साथ है, कम से कम वो तो आज मंच पे दिखने चाहिए थे। हाँ, और सोचिए कि सचिन पायलट अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो क्या सचिन पायलट के साथ अगर विधायक नहीं आए बड़ी मात्रा में जो उनके खेमे के हैं, तो क्या वो ये मान करके चलते हैं कि सचिन पायलट का आरोप झूठा है, गलत ठीक है? या फिर सचिन पायलट के अंदर, सचिन पायलट के अंदर इतनी ताकत थी तो पूरी की पूरी सरकार ही चली आनी चाहिए थी, कम से कम आधे से अधिक विधायक आ जाने चाहिए थे कि नहीं गलत ठीक नहीं है। इसका दूसरा पहलू भी है ना, क्या पता वो जो 18 के 18 2020 में आए थे सचिन के साथ, उनमें से भी आधा दर्जन अंदर कहीं किसी ना किसी मामले में फंस रहे हो, उनको लग रहा हो कि अगर ये पंडोरा बॉक्स खुलेगा भ्रष्टाचार का तो पता नहीं उनमें से कितनों के नाम आ जाएंगे, ये डर भी तो सता रहा होगा ना। हाँ, वो तो देखिए स्वाभाविक है, लेकिन जब आप बार बार नौटंकी करते हैं तो आपका भी साथ लोग छोड़ देते हैं, यार कुछ करता नहीं है, जाकर बदनाम करवाता है, फिर माफी मांगो, चिट्ठी लिखो। अच्छा, ये बता, सिंपल ये सी बताइए, सिंपल सी बात है ना। या तो कुछ हो जाए, हाँ। जी जी अविनाश, ये या तो कुछ हो जाए, जी अपनी बात पूरी कर लो। मेरे कहने का मतलब या तो किसी झगड़े में कुछ हो जाए, हाँ, आर पार की लड़ाई, या तो मार पिटाई कुटाई जो होनी है हो जाए, रोज आप लाठी डंडा लेकर के चलो किसी के घर पे आओ, और घर पे जाने के बाद दो गाली दो और फिर वापस चले आओ, तो जो आपके साथ रोज लठ लेके जाते हैं ना वो कहेंगे यार रोज का नौटंकी इसका, यार रोज जाता होता कुछ नहीं है, इसके साथ जा करके बदनामी और होती है, जो होना एक बार हो जाए। ये भी तो राज जरूर थोड़े कि सचिन पायलट की तरह सबकी मजबूरी है, उन विधायकों को कोई मजबूरी नहीं, वो भाजपा में लटक लेंगे, वो आप में चले जाएंगे, वो कांग्रेस के साथ रह लेंगे, उनको जहां मौका दाव लगेगा वो वहां चले जाएंगे, वो सचिन पायलट तो है नहीं ना, उसमें से सबको मुख्यमंत्री बनना है, जाहिर सी बात है, इनके साथ जितने हैं उसमें से कोई मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं। वही ना, आर पार की लड़ाई मतलब हो जानी चाहिए एक बार, कम से कम ऐसा तो हो। लेकिन मुझे ये समझाए कि ये जो आम आदमी पार्टी, अब उनके हौसले बड़े बुलंद हो गए, राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, भाई दो दो राज्यों में उनकी सरकारें हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको, एक तरफ ये जो फैसला चुनाव आयोग ने दिया, राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा आम आदमी पार्टी को मिला है, हम सबको पता है कर्नाटक हाईकोर्ट ने जिस तरह से 11 मई तक का टाइम दिया था चुनाव आयोग को, किस बारे में जो वो सर्वे करते हैं उसके हिसाब से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जिन जिन पार्टियों को देना है, जिनसे छीनना है वो किया जाए, उसके चलते ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया आम आदमी पार्टी को, और उसके बाद से वो बड़े खुश हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से। लेकिन जब उन्होंने इसके लिए खुशी जताई तो ये जरूर कहा कि देखिए बहुत से ऐसे एंटी नेशनल हैं जिन्होंने उनकी पार्टी के दो दो पूर्व मंत्रियों को जेल में डाल रखा है, जिन्हें जमानत नहीं मिल रही है। मेरा सवाल ये है अविनाश कि जब आपके पक्ष में फैसला आता है तब तो आपको कोर्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आपके मंत्रियों के कुकर्मों के चलते वो जेल में है, उन्हें जमानत इसलिए नहीं मिल रही है कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद है, चाहे वो आबकारी घोटाला हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो सत्येंद्र जैन के खिलाफ, जब उनको इसके चलते जमानत नहीं मिल रही तो आप एंटी नेशनल होने की बातें करें, तो कम से कम अरविंद केजरीवाल को अब तो बताना चाहिए कि वो किस तरफ है, अदालत को लेकर क्या सोचते हैं। आपने बहुत सही क्वेश्चन उठाया अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही से, मैं एक चीज आपको बताता हूं मैम, 19 मई 16 मई 2015 को अरविंद केजरीवाल नहीं 16 फरवरी 2015 को अरविंद केजरीवाल स्वेटर और मोफलर के साथ, लाल स्वेटर और भूरे कलर के मोफलर के साथ आते हैं और एक मीडिया ब्रीफिंग कहते हैं, मीडिया ब्रीफिंग में अरविंद केजरीवाल कहते हैं देखिए जी अनुभव होना जरूरी है जी, पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है जी, जरूरी नहीं कि कोई पढ़ा लिखा हो तो अच्छा काम करेगा जी, हमारे अन्ना जी ही देखिए जी 5 पास हैं जी,
ये सब सारी चीजें, पांच पांच तो नहीं बोलता लेकिन ये सब बोलता है, एक क्लिप मीडिया में है, खोजेंगे तो मिल जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं कि देश का प्रधान पढ़ा लिखा होना चाहिए जी, पढ़ा लिखा नहीं होगा जी तो कोई साइन करा लेगा जी। ठीक उसी तरह जिस तरह 12 पास फर्जी डिप्लोमा वाला सिसोदिया को फंसा दिया केजरीवाल ने जी, और केजरीवाल इतना पढ़ा लिखा है कि कोई विभाग ही अपने पास नहीं रखता है जी कि साइन करना पड़े जी। यह विश्व का इकलौता हेड ऑफ स्टेट है या जो भी कह लीजिए आप इसको, मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई विभाग नहीं है। एक और मुख्यमंत्री थे, 4 महीने तक उनके पास कोई विभाग नहीं रहा, उनका नाम है दिग्विजय सिंह। लेकिन वहां मंत्रिमंडल को लेकर के बहुत सारी कहानियां थी, इसलिए बहुत सारे दर्शक बोलेंगे नहीं 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 जी साहब एक आदमी और था आपने उसको बताया नहीं, तो मैंने बता दिया इसलिए कि दिग्विजय सिंह के पास भी 4 महीने तक कोई मंत्रालय नहीं था, लेकिन 4 महीने के बाद था, ये तीसरा टर्म मुख्यमंत्री बना है ना, इसके पास कोई विभाग क्यों नहीं? इसलिए नहीं है मैम, इसको एक कमजोर चेले चाहिए जो इसके घोटाले करें, अपना साइन करें, अपने फंसे, ये बचा रहे। आपको हम बता दें कि इसके पास अगर मंत्रालय होता तो ये पक्का फंस जाता। तो ये मुख्यमंत्री है किस बात के लिए? 18 मंत्रालय सिसोदिया के पास, 14 मंत्रालय सत्येंद्र जैन के पास, मतलब कि 60-70% मंत्रालय जेल में। अब ये तो ये है कि रोज डिग्री मांगता है, तब मांगता है जब गुजरात हाईकोर्ट, आप देखिए कि गुजरात की एक हाईकोर्ट है जो 25,000 का इस पर जुर्माना लगा देती है, तब भी ये लोग इतने बेशर्म है कि आके कहते नहीं नहीं जी डिग्री दिखा दो जी, डिग्री दिखा दो। जबकि गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी डिग्री अवेलेबल है, चुनाव आयोग के एफिडेविट में भी अवेलेबल है, और नरेंद्र मोदी का चुनाव टेक्निकली निरस्त अगर कराना है, उन्होंने कोई गलती की है तो चुनाव आयोग के पास आप जाकर के अपील करिए भैया, डिग्री हाईकोर्ट थोड़े नहीं देखता है। तो ये इनकी नौटंकी है। देखिए लेकिन फिर अविनाश सवाल तो ये है ना कि कहां लिखा है संविधान में कि आपकी सीएम को, आपके पीएम को, आपके मंत्रियों को पढ़ा लिखा और डिग्री होल्डर होना चाहिए, तो कहीं भी नहीं लिखा है। ये एक नया जुमला लेकर आ गए हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो उन्होंने मुद्दा बना लिया। अच्छा अच्छा आप बताइए, देखिए मेंटली कैसे खेला जाता है, आप न्यूट्रल हो जाइए एकदम, आपको धरती पे कुछ नहीं पता है तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हाँ भाई पढ़ा लिखा होना चाहिए, मेरा बेटा पढ़ा लिखा होना चाहिए, मेरी बहू भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, मैं भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, मेरा हस्बैंड पढ़ा लिखा होना चाहिए, मेरा परिवार पढ़ा लिखा होना चाहिए, मेरे गांव का प्रधान पढ़ा लिखा होना चाहिए, मेरे देश का प्रधान भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये सिंपल टेंडेंसी में सिंपल आदमी क्या सोचेगा कि बात ठीक है, पढ़ा लिखा होना चाहिए। और पढ़ा लिखा से कोई ये सवाल नहीं पलट के पूछता, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, 600-650 करोड़ का अगर बजट हो मीडिया का, दिल्ली जैसे 70 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले प्रदेश का, तो मीडिया तो कभी सवाल नहीं पूछती। मीडिया ने क्या आज तक कभी अरविंद केजरीवाल से पूछा कि भाई साहब आपके पास कोई मंत्रालय नहीं है, क्यों नहीं? आप काय के लिए मुख्यमंत्री हैं, किस लिए मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिल्ली को लेकर के अरविंद केजरीवाल? आप प्रोटोकॉल होल्ड करते हैं, हर प्रदेश में जाते हैं प्रचार करने, तो मुख्यमंत्री का नियम है, करना पड़ेगा। आप बंगला मुख्यमंत्री के नाम पर लिए हुए, आप नौकर चाकर मुख्यमंत्री के नाम पर लिए हुए, आप सैलरी मुख्यमंत्री के नाम पर लेते हैं, लेकिन आप सिंगल सरकारी किसी फाइल पे सिग्नेचर नहीं करते हैं। मींस आप ओरल डिसीजन मेकर हैं, जिससे आम आदमी को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, वो तो सलाहकार भी सलाह दे देता है। क्या कभी कोई सलाहकार पकड़ा जाएगा भाई? मनीष सिसोदिया को मैं जानता हूं, देखिए बहुत अच्छे से, पिलखुआ का मनीष सिसोदिया भी है और पिलखुए का रहने वाला कुमार विश्वास है, ये दोनों बचपन के दोस्त थे, एक स्कूल में पढ़ते थे। फिर ये एनजीओ बाजी हो गई, एनजीओ बाजी, कबीर ओबीर परिवर्तन और ये सब बनाए तो ये सब सारे मिलकर के उसमें काम करने लगे। ये जिंदल के कोटे से आईआईटी पहुंचा है, ये आईआईटी का कंपटीशन बीट नहीं किया है। फिर ये आईआरएस निकाला तो आईआरएस में इसने ट्रेनिंग करने के बाद कुछ दिन काम किया और 8 साल लगातार ये लीव पे था, 8 साल लगातार लीव पे था ये। उसके बाद ये एनजीओ का काम करता था। फिर वो जो नौटंकी शुरू हुई थी कांग्रेस के जमाने में,
आरटीआई वाली, उस आरटीआई में सब एक्टिविस्ट बन गए दिल्ली में, वहां से इन सबों की राजनीति शुरू हो गई। तब तक इन सबों को पता चला कि ये तो अन्ना बाबा हैं, वो महाराष्ट्र में आंदोलन आंदोलन करते हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, बहुत ठीक है, उन्हीं के पास चलो, उनको लेकर के आए सब। देश में कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल था और अन्ना आंदोलन को समर्थन हर विपक्षी लोगों ने किया, उसमें संघ के लोगों ने भी किया कि भाई चलो कांग्रेस को हटाना है, ये सब भी कुछ नौटंकी बढ़िया नाच कर रहे हैं, होने दो। बाद में ये सब धरना देते 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 पॉलिटिकल पार्टी, आज अन्ना बाबा तो गायब है ना, और इसी का स्टेटमेंट है कि पढ़ा लिखा नहीं, समझदार होना चाहिए, काम करने वाला चाहिए, ईमानदार चाहिए। दूसरी चीज ये किसी ने कह दिया कि मोदी पढ़े लिखे नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट है, जॉब के मामले में मैडम आप कुछ भी कह लीजिए, अदरवाइज बीए इक्वलेंट टू एमबीबीएस इक्वलेंट टू बीटेक इक्वलेंट टू बीसीए इक्वलेंट टू बीएससी इक्वलेंट टू बीकॉम, क्या फर्क पड़ता है, सब ग्रेजुएशन की डिग्री है और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। और पढ़े लिखे की बात है तो अरविंद केजरीवाल को मुझको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना लीजिएगा, उसके पूरे खानदान में मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं मिलेगा, वो तो आईआईटी से बीटेक है फर्जी वाला, मैं तो पीएचडी हूं वहीं से, तो मैं क्यों नहीं मुख्यमंत्री होने चाहिए, कुमार विश्वास क्यों नहीं मुख्यमंत्री होना चाहिए था, जनरल बीके सिंह क्यों नहीं मुख्यमंत्री होने चाहिए थे, योगेंद्र यादव क्यों नहीं मुख्यमंत्री होने चाहिए थे, मयंक गांधी क्यों नहीं मुख्यमंत्री होने चाहिए थे, प्रशांत भूषण मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए था, शशि भूषण मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए था, केजरीवाल क्यों होना चाहिए था, इज अ फेल आईआईटी एंड फेल आईआरएस, मैं तो साफ कहता हूं। और पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री अगर होना चाहिए तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को बना दो संविधान में कानून, दिल्ली में ही बना दो एक कानून, कोशिश कर लो। देखिए दो चीजें हैं, देखिए अपील क्या करता है, जैसे मैम अभी अभी आप किसी पॉलिटिशियन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगी ना, आदमी का दिमाग एक बार उसको एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ हाँ नेता सब चोर ही होते हैं, पुलिस सब बेईमान चोर ही होती है, ये एक टेंडेंसी है और लंबे समय से बनी आ रही। तो आप पुलिस वाले को गाली देंगे तो आपको कोई रोकने नहीं आएगा, पुलिस भले चार डंडा मार के रोक दे, लेकिन आम पब्लिक के अंदर धारणा है नहीं नहीं नहीं। तो उस धारणा के साथ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत बखूबी खेला इसको। आज बताइए किसके साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हैं, उसी कांग्रेस के साथ तो खड़े हैं ना, उसी कांग्रेस के 18 पार्टी के मीटिंग में संजय सिंह जाते हैं ना, जाते कि नहीं जाते हैं, बिल्कुल देखो। और सबसे बड़ा काबिल मंत्रालय किसके पास है, सिसोदिया के पास है, तो सिसोदिया का भी रिवील करना चाहिए कि वो कितना पढ़ा लिखा है। अगर मैं किसी पे आरोप लगा रहा हूं तो मुझे भी तो अपनी तरफ देखना चाहिए ना कि मैं कितना सही हूं। अच्छा चलिए ये तो इनकी, ये देखिए ये पूरी नौटंकी पार्टी में इसको बोलता हूँ, ये गाजा बाजा लेकर के आएंगे, एक बाजा बजाएगा, एक झुंझुना बजाएगा, एक पिपीरी बजाएगा, वो पहले ब्रास बैंड पार्टी शादियों में आती थी, तो हमारे यहाँ के जो शादियों में ब्रास बैंड पार्टी वाले थे उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों के जो लॉर्ड हुआ करते थे उनके कपड़े पहन करके आते थे, पूरा एकदम लाल पीला हरा नीला चमकदार पूरा टोपी ओपी लगा करके। ये ब्रास बैंड पार्टी है, ये इस ब्रास बैंड पार्टी का अरविंद केजरीवाल रिंग मास्टर है, और रिंग मास्टर क्या करता है, किसी सर्कस का या पार्टी का डंडा लेकर के कुछ करता है, इसके पास डंडा भी नहीं है, ये उस तरीके का मास्टर है। अच्छा आप बताइए कि अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए ना कि मनीष सिसोदिया विश्व का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री है, ठीक, अरविंद केजरीवाल का कहना है, बिल्कुल न्यूयॉर्क टाइम्स में महाराणा प्रताप है वो, हाँ वो महाराणा प्रताप है, ये खुद सिसोदिया कहता है क्योंकि महाराणा प्रताप भी सिसोदिया बन सकते थे, भारत रत्न देने की मांग करता है, भगत सिंह से भी कंपेयर करता है। किसी मेनस्ट्रीम मीडिया के पत्रकार ने आज तक पूछा कि भगत सिंह से क्यों कंपेयर करते हो? आज तक अरविंद केजरीवाल ने कभी अपने मुंह से खालिस्तान का नाम लिया है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए, सिंगल टाइम बता दीजिए कहीं रिकॉर्ड पे हो? कैसे लेगा जब चुनाव के लिए इतना कुछ उनसे लिया है, पंजाब में सरकार उनकी मदद से बनाई, तो नाम कैसे लेगा? इसीलिए तो अमृतपाल आज तक नहीं पकड़ा गया। पूछता क्यों कोई नहीं, सवाल क्यों कोई नहीं पूछता है, वो पकड़ा नहीं गया। ठीक कहा आपने, लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया सवाल क्यों नहीं पूछता है, जानते हैं क्यों नहीं पूछता है? जब 150 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट मिलेगा तो आप नहीं पूछेंगे।
हर 10 मिनट, 10 याद नहीं, वो 15 15 14 14 मिनट का एड चलता था अरविंद केजरीवाल का, और हाँ एक ही चैनल पर वो हर एक घंटे में 4 बार चलता था। सोचो जरा, तो जब इतना पैसा उधर हाँ डाला जाता है तो फिर वो किस मुंह से सवाल पूछेंगे? सवाल तो हम और आप पूछ सकते हैं ना, जिनको यूट्यूब से अच्छा मिलता है, जिनको लेना देना नहीं है। अच्छा मैम, एक और मजेदार बात बताता हूं आपको इनके बारे में। ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री विश्व के सर्वश्रेष्ठ शराब घोटाले में जेल में है। आप भी बताइए, आप अपने बेटे को पीट के मार के जेल में हैं, हैं? और आपकी सास कहें कि हमारे बेटे बहू में तो बहुत जमती है, सर्वश्रेष्ठ है, आदमी पूछेगा ना कि बेटे बहू में जमने को लेकर के नहीं जेल में है, बेटे को पीटने के लेकर के जेल में है। तो शिक्षा पे अभी तो सवाल ही नहीं आया, वो तो बात की बात है। नहीं। और जब शराब, सोचो, दारू, और सुनिए, हाँ अक्सर नैतिकता के नाम पे मैम ये कहा जाता है कि जो शिक्षा मंत्री है यार उसको शराब मंत्री मत बनाओ। ठीक है, सरकार राजस्व लेती है, दोनों सरकार के ही मंत्री होते हैं, लेकिन एक मानवता के नाम पे या एक समाज में गलत मैसेज जाएगा। आप सोचिए कि स्कूल के सामने वही व्यक्ति इन्हीं के भाषा में स्कूल खोल रहा है, वर्ल्ड का नंबर वन, और बगल में वर्ल्ड के नंबर वन उसी के कहने पे शराब की दुकान खोल रहे हैं। और एक पे एक दोनों फ्री सरकारी मिल रही व्यवस्था है। है अविनाश, एक पे एक और फ्री आप मिल रही वहां पूरा दिल्ली, मतलब दिल्ली क्या मैम, लखनऊ तक मस्त था। आते और थे फिर सर तो यहाँ गाड़ी में 4 बोतल रख लाते थे कि 4 खरीदोगे तो 4 फ्री, 6 खरीदोगे तो 12 फ्री, मतलब अद्भुत। कभी किसी ने शराब का नाम लिया? नहीं लिया। ना, शिक्षा मंत्री अंदर है, बस इतना ही, अच्छा शिक्षा मंत्री देखिए, कोई भी देखिए, आईपीसी में भी प्रोसीजर है और सीआरपीसी में भी प्रोसीजर है भारत के संविधान में। किसी को भी कोई भी एजेंसी गिरफ्तार करे, कोई भी, रा, आईबी, सीबीआई, कोई भी, पुलिस 24 घंटे से अधिक उसको अपनी कस्टडी में और जेल में नहीं रख सकती है। उसको कोर्ट में कोर्ट पेश में पेश करना करना पड़ता ही पड़ेगा। है, बिल्कुल। कोर्ट में 2 तरीके से कस्टडी मिलती है, एक इंट्रोगेट करने के लिए, पूछने के लिए, इंट्रोगेशन के लिए आप कस्टडी मांगते हैं तो आपको 1 दिन से लेकर के अधिकतम 14 दिन की मिलती है, अदरवाइज जुडिशियल कस्टडी मिलती है, मतलब रखा वो जेल में ही जाएगा लेकिन न्यायालय के अंतर्गत रखा जाएगा, कोर्ट के अंतर्गत रखा जाएगा, जज साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर रखा जाएगा। और जुडिशियल कस्टडी, देखिए इंट्रोगेशन की कस्टडी पूरी हो चुकी है दोनों की, एक 11 महीने से है, एक भी 2 3 महीना होने ही जा रहा है, लेकिन कोर्ट को ये अच्छे से पता है कि ये हैं दोषी, इसमें जमानत बिल्कुल नहीं दी जा सकती इनको, इस पे बात नहीं करते हैं सब। नहीं, वो तो मोदी जी शिक्षा अगर मंत्री इतने ताकतवर होते कि वो 11 महीना तक अपने दम पे किसी को जेल में रख सकते तो बहुत लोग जेल में होते है ना। वो इंदिरा बिल्कुल गांधी के समय पे मीसा जो लागू हुआ था वो 19 महीने का खेल नहीं है भैया, नहीं रख सकते हैं। आप देखिए टेक्निकल बातें, बेवकूफ उसको बनाइए जो नहीं जानता है, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि ये क्यों जेल नहीं हो बंद रहा है। है, ये क्यों जेल में चले। और कोर्ट एक्टिविज्म आप इस देश में जानती हैं कितने हद तक है। चिदंबरम देख लीजिए, 106 दिन जेल में रह करके आया इसी सरकार में, मोदी जी की सरकार में, उसके बाद कोर्ट ने उसको बेल दे दिया, अभी तक वो बेल पे ही चल रहा है, उसके पास 14 15 केसेस चल रहे हैं। बेल इनको भी मिल जाएगी 6 महीना साल भर बाद, लेकिन अरे सजा जरूर होगी। लेकिन आप ये देखो ना कि वो तो खुद ही कह के गए थे, मनीष सिसोदिया चिट्ठी नहीं लिखी थी कि 7 8 महीने तो मुझे अंदर ही रहना पड़ेगा, बच्चों अच्छे से इम्तिहान देना, यही चिट्ठी लिखी थी ना। तो उनको खुद भी पता है कि उन्होंने क्या किया, इसलिए वो 7 8 महीने, क्या 8 10 महीने अंदर रहने वाले हैं। तो अविनाश, हाँ ये तो आम आदमी पार्टी का पूरा कच्चा चिट्ठा मुझे पता है आपके पास मौजूद रहता है, और बड़ी दिलचस्प जानकारी आप मेरे दर्शकों को दे रहे हैं। लेकिन चलिए अब देखते हैं राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठता है, क्या सच में वो जो बार बार
पार्टी छोड़कर चला जाऊंगा, जो नाराज होने का झुंझुना लेकर घूमते हैं सचिन पायलट, वो क्या करते हैं? क्या सच में वो आम आदमी पार्टी के साथ कोई पींगे आगे बढ़ाते हैं? इस पर हमारी नजर रहेगी। आपने विस्तार से जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी है राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई और आम आदमी पार्टी के अंदर क्या खेल चल रहा है इससे जुड़ी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम।